नमस्कार दोस्तों मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एस मेकर में कैसे हैं सारे बच्चे एक बार सभी लोग बताएंगे वॉइस कैसी है आपकी वॉइस क्लियर है क्या वॉइस को लेके कुछ कमेंट्स आ रहे हैं वॉइस क्लियर है आपकी आवाज नहीं आ रहा है अब आवाज शायद आ रहा होगा आवाज का एक बार बता दीजिए आ रहा है या नहीं ठीक है जैसे कि आपको पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल की साठ हजार से भी ज्यादा वैकेंसी आपकी आई हुई है ठीक है एज को लेके कुछ इशू है लेकिन उसके भी एक पॉजिटिव चांसेस है दिख रहे हैं कि कुछ दिनों में हो सकता है आपको एज रिलैक्सेशन का भी नोटिस बहुत जल्द आपके सामने आ जाए ठीक देखिए इससे पहले एक सिपाही बैच चला था वो सिपाही बैच में लाइव क्लासेज यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए चलाई गई थी कंप्लीट चीज एकदम बेसिक से और बेहतरीन ढंग से मतलब उसमें पूरा समय लेके वो आपको पढ़ाया गया है ठीक है बहुत सी चीजें हैं बहुत से क्वेश्चन हैं वो सारी चीजें आपको पढ़ाया गया है लेकिन अभी समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं कितना जल्दी चीजों को करा सकते हैं कितना बेहतर ढंग से करा सकते हैं तो इस पर आपका काम चल रहा है देखिए एग्जाम हो सकता है फरवरी में हो जाए तो हम यही मान के चीजों को करेंगे आगे चल के अगर कोई एग्जाम का डेट आता है कि नहीं ये फरवरी में नहीं होगा आगे चल के होगा तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है आपके पास कंप्लीट बैच ये आपने देखा होगा अगर ऐप को खोला होगा तो आपके पास कंप्लीट सिपाही बैच की वीडियो भी मिल गए होंगे ठीक है टाइम ज्यादा होगा तो आप उससे बेहतरीन ढंग से सारी चीजें पढ़िए ठीक है उसमें क्वेश्चंस ज्यादा होंगे इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे कॉन्सेप्ट सारा चीज यहां पे क्लियर होगा ठीक है आज कल और परसों आपकी क्लास यूट्यूब पे चलेगी ठीक उसके बाद आपको ये क्लास ऐप पर अवेलेबल करा दी जाएगी और फिर से सारी की सारी क्लासेस आपकी ऐप पर चलने वाली है ठीक चलिए तो थोड़ा सा पहले हम जानेंगे कि आखिर मैथ्स है क्या कितना आता है कितना बड़ा पोर्शन है इन सब चीजों को हमको पहले देखना है ठीक है आइए तो आपका ये जो क्लास है ये फौजी बैच क्रैश कोर्स में ये क्लास चल रहा है क्रैश कोर्स और सॉरी फौजी बैच कह रहे हैं सिपाही बैच में क्रैश कोर्स में और सिपाही बैच में दोनों जगह क्लासेस आपकी अवेलेबल रहेंगी ठीक है कोई बच्चा सिपाही बैच से जुड़ा होगा तो पहले भी कहा गया था आगे एग्जाम के समय पर बैच आएगा तो वो आपके लिए फ्री रहेगा और हर समय फ्री रहता है ठीक है तो ये क्रैश कोर्स सिपाही बैच बच्च वाले बच्चों के लिए फ्री रहेगा ठीक इसके साथ

मैथ्स का पोर्सन क्या है ठीक है वो फौजी बैच बहुत दिन से फौजी बैच फॉजी बैच चल रहा है तो फौजी बैच ही निकलता है दिमाग से ठीक तो यहां पर ये जो आपका पोर्शन है ये ये देखिए आपका मैथ्स का पोर्शन है ठीक 18, 19, 20, 22 जितने क्वेश्चन आ जाए इसी में से क्वेश्चन आएंगे ठीक है रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें ज्यादा होते हैं तो रीजनिंग आपको निखिल सर पढ़ा रहे हैं बेहतरीन ढंग से सात बजे क्लास भी उनकी चलेगी ठीक अच्छा इसमें आप अगर सिलेबस पे ध्यान देखेंगे तो नंबर सिस्टम ठीक है थोड़ा सा पेन का कलर चेंज किया जाए नंबर सिस्टम संख्या पद्धति सरलीकरण डेसिमल एवं फ्रैक्शन हाईएस्ट कॉमन एलसीएम एचसीएफ है इसके बाद आपका रेशियो प्रोपोर्शन है परसेंटेज है प्रॉफिट लॉस है डिस्काउंट एसआई सीआई पार्टनरशिप एवरेज टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस अब यहाँ पे ग्राफ है ग्राफ के साथ आपका मैं ये आपका जो भी हो अंक गणित संगणना व अन्य विश्लेषण कार्य और मिसलेनियस यानी कि देखा जाए तो लगभग सारा सिलेबस है इसमें सर क्वेश्चन तो अठारह उन्नीस आने वाले हैं ठीक है तो अब जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल है ठीक कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं क्या क्या, क्या चीजें आती हैं उसी आधार पर मैं इस क्लास को लेके चलूंगा ठीक है आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा रेशियो एवं प्रोपोर्शन अनुपात एवं समानुपात ठीक है इसके बाद मैं आपको पार्टनरशिप ठीक है रेशियो प्रोपोर्शन चलेगा, एज चलेगा उसके बाद से अगर मेरे एनालिसिस के हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन कहां से बन रहे हैं ज्यादा तो अगर मैं अपना एनालिसिस करूं तो आप समझिए लगभग हर चैप्टर से एक क्वेश्चन बनना है ठीक है लेकिन जो यहां पर आप एक सिंप्लीफिकेशन देख रहे हैं डेसिमल एवं फ्रैक्शन देख रहे हैं नंबर सिस्टम है तो यहां से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं ठीक है सारी की सारी चीजें बराबर है एक एक क्वेश्चन हो सकता है सब जगह से आ जाए कहीं से दो क्वेश्चन आ जाए हर चीज को पढ़ना पड़ेगा दूसरी चीज जो अभी तक मैंने पाया है जो भी तीन चार दिन पांच दिन चाहे इससे पहले जो मैंने सिपाही बैच पढ़ाया तो उसके एनालिसिस के हिसाब से जो जो था तो आपके क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं ना यूपी पुलिस कांस्टेबल में तो वो आ रहे हैं बेसिक लेवल के क्वेश्चन बहुत हाई लेवल पे चीजें नहीं जा रही हैं ठीक हाँ रीजनिंग में आ रहा है रीजनिंग में अच्छा खासा आ रहा है बट मैथ्स का यही स्तर है चलिए तो फॉर्म आपके कल से भरे जाएंगे 27 तारीख से फॉर्म भरे जाने हैं कैसे फॉर्म भरा जाएगा क्या होगा हर एक चीज की जानकारी आपको दी जाएगी ठीक है जो बच्चे एज रिलैक्सेशन की डिमांड कर रहे हैं वो बच्चे भी पढ़ाई करते रहिए एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको ठीक इसके चांसेस बहुत हाई है कि एज रिलैक्सेशन पे भी बहुत जल्द कोई ना कोई नोटिस आपके पास आ जाए ठीक है चलिए तो अब थोड़ा सा रेशियो के बारे में बात करेंगे रेशियो क्या होता है ठीक है तो रेशियो की आपने जैसे एक सिंबल देखा होगा दो डॉट आपने देखे होंगे घड़ी में जो आपका समय चलता है और दो डॉट आपको देखने को मिलता है ऐसे ठीक है ये होता है रेशियो का सिंबल ठीक और रेशियो का मतलब आपका फ्रैक्शन भी होता है जैसे अगर ए रेशियो का बी लिखा हुआ है तो आप इसको चाहे तो ए बट्टे का बी भी, भी लिख सकते ठीक है रेशियो और ये है इसका फ्रैक्शन ठीक रेशियो फ्रैक्शन ठीक है अच्छा अब इसमें क्या करें अब मान लीजिए कोई आपको नंबर दिया गया है तो रिशो का मतलब है क्या जैसे मान लीजिए मैंने आपको दो नंबर दिया ठीक है अब दो नंबर दिया जैसे मैंने कहा दस और पंद्रह का कोई बच्चा रेशियो निकाले तो कहेंगे सर दस पंद्रह रेशियो लगाए तो है हो गया रेशियो ठीक है अब यहां ध्यान दीजिए दस और पंद्रह का आपको निकालना है रेशियो रेशियो का मतलब इसको इतना काट दीजिए कि अब इसके बाद ये कट ना पाए ठीक है और कैसे काटे तो आपको दिख रहा होगा अगर मैं पांच से काटू तो दो बार में कट जाएगा अगर मैं पांच से काटू तो तीन बार में कट जाएगा तो क्या हो गया आपने देखा ये दो रेशियो का तीन हो गया अब क्या इससे छोटा आप इसको काट सकते हैं क्या इससे छोटा काट सकते हैं आप कहेंगे सर इससे छोटा आप क्या कटेगा ये तो सबसे कम है तो बस जहां पर कटना बंद हो जाए वही आपका हो गया ये हो गया आपका रेशियो ठीक है तीन संख्याएं लिख दी जाए तो क्या करेंगे अगर आपके पास मैंने दस लिख दिया आपके पास पंद्रह लिख दिया आपके पास मैंने पच्चीस लिख दिया ठीक है? इसका क्या करेंगे? इसको भी काटेंगे। काटेंगे? कैसे तो वही, से काटिए दो बार में पांच से काटिए तीन बार में और पांच से काट दीजिए पांच बार में ठीक है कटना बंद बस यही हो गया आपका रेशियो ठीक है ये है आपका रेशियो ठीक अच्छा इसी में एक सवाल और अगर मैं दूं आपको मैं कहूं दस बारह और पंद्रह का रेशियो निकालना है ठीक है दस बारह और पंद्रह का रेशियो निकालना है तो क्या आप बच्चे सर दो तीन पांच इसको भी फ्रैक्शन में लिख दे क्या तो कुछ बच्चे जैसे लिख भी रहे हैं दो बट्टे का तीन बट्टे का पांच ये ऐसे फ्रैक्शन नहीं बनता है ध्यान रखिएगा ये ऐसे फ्रैक्शन नहीं बनता है कुछ बच्चे बनाए तो ऐसे मत बनाइएगा ठीक है चलिए अब इसको मैं कह रहा हूं क्या आप इसका रेशियो बना देंगे आप कहेंगे सर बिल्कुल बना देंगे ठीक है तो आप कहेंगे अगर मैं दो से काटू ठीक दो से बस अच्छा ये नहीं ए, ये सोरी, 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 ये सॉरी सॉरी ऐसे नहीं होगा ऐसे नहीं होगा यहां पर आप लिख लीजिए तीस तीस बारह पंद्रह क्योंकि वो कटेगा नहीं दस बारह पंद्रह का रेशियो दस बारह पंद्रह ही हो जाएगा ठीक है एक चीज का ध्यान रखिएगा जब आप काट रहे हो तो काटते वक्त तीनों संख्याएं अगर तीन संख्या लिखी गई है तो तीनों चार संख्या लिखी गई है तो चारों और पांच संख्या लिखी गई है तो पांचों संख्या कटनी चाहिए ऐसा ना हो कि दो संख्या आपका कट रहा हो और उसके बाद की संख्याएं ना कट रही बिल्कुल दस दस ही रहेगा अच्छा अगर इसको काटे तो इसका क्या होगा ये भी इतना ही रह जाएगा क्यों क्योंकि एक चीज जो बहुत बड़ा डाउट रहता है सर तीस और बारह तो देख रहे हैं सर तीन से कट रहा है छह से कट रहा है ठीक तो कई बच्चे क्या करते हैं तीन में दस बार में काट देंगे और तीन से चार बार में काट देंगे ठीक फिर से पंद्रह लिख लेंगे उसके बाद दो से काट देंगे पांच बार में दो से काट देंगे दो बार में उसके बाद पंद्रह लिख लेंगे फिर से पांच एकम पांच पांच पंद्रह एक दो तीन ऐसे दे देंगे ध्यान रखिएगा ये गलत होता है ठीक है ये गलत होता है कटे तो सब कटना चाहिए ठीक है कटे तो तीनों की तीनों संख्याएं कटनी चाहिए जैसे कुछ बच्चे दे रहे हैं दस चार और पांच गलत है दस चार पाँच दस चार पाँच ये सब गलत है ऐसे नहीं होगा दस चार पांच आंसर नहीं होगा इसी चीज पे ध्यान देना है देखिए कटे तो तीनों कटे तीनों संख्या तीन संख्या लिखी गई है तो तीनों की तीनों संख्या कटनी चाहिए जैसे अगर मैंने आपके सामने लिख दिया तीस साठ और एक सौ अस्सी ठीक है इसको काटिए इसका रेशियो बताइए तीस साठ एक सौ अस्सी दस चार पांच गलत है कटे तो तीनों कटे अगर तीनों नहीं कट रहा है तो उसको बंद कर दीजिए काटना वही है आपका रेशियो कटे तो तीनों कटे जैसे अगर मैं यहां पे काटू कट रहा था क्या अच्छा सॉरी तीन से तो कट ही रहा था मिनट, ये मेरा मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है तीन से कट रहा है तीन से सारी चीजें कट रही है।, है, सही है, सही है, सही है सही है सही है सही है इसको करिए इसको करिए इसको करिए तीनों चीजें कट रही हैं इसको करिए दस चार पांच सही है दस चार पांच सही है ठीक है तीन से कट रहा है इसको करिए तो एक बार सात पी एम ऐप का क्लास करे आठ ई एम यूट्यूब का क्लास करे या ये करे कोई कन्फ्यूजन नहीं है ठीक है एस एस के बच्चे हैं शाम को क्लास करिए ऐप पर अगर चैप्टर वाइज नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लिए हैं तो सुबह यूट्यूब की क्लास करिए ठीक यूपी पुलिस के बच्चे हैं तो इस समय की क्लास करिए ऐप पर ठीक और अगर आप पढ़ लिए हैं यूपी पुलिस आप कवर हो गए तो सुबह की क्लास करें बस यही करना है अब देखिए अगर इसको काटेंगे तो अगर मैं देखूँ तो तीस एकम का तीस तीस दुने का साठ और तीस से काटेंगे तीन छके अठारह ठीक एक दो और छे इसके बाद और काट सकते हैं क्या हम इसको ठीक है इसके बाद और काट सकते हैं इससे ज्यादा काटा जा सकता है देखिए इससे ज्यादा काटने जाएंगे जैसे कुछ बच्चों को दिखता है सर दो और छे तो कट रहा है नहीं अगर तीनों कट रहा है तभी काटेंगे अगर सिर्फ दो कटे एक कटे तो उसमें आप नहीं काट सकते ठीक अगर किसी संख्या से ये तीनों कटे तभी काट सकते हैं जैसे दो से आपका ये कट रहा है ये कट रहा है लेकिन दो से एक नहीं कट रहा है तो आपका जो रेशियो हो जाएगा ये आपका एक दो छे का हो जाएगा ठीक है ये है आपका रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक आइए अब यहां पर एक क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं आपके एग्जाम का सवाल है जरा आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है पचास ग्राम और दो किलोग्राम में क्या अनुपात है क्या कोई बच्चा मुझे पचास ग्राम और दो किलोग्राम का अनुपात बता सकता है सामने है दो किलोग्राम क्या इसका रेशियो बता सकते क्या इसका रेशियो बता सकते हैं तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर पच्चीस रेशियो का एक आ रहा है कितने बच्चे आंसर हैं ऐसे हैं जिनका रेशियो पच्चीस रेशियो का एक आ रहा है और उनको वो आ, आंसर ऑप्शन में नहीं मिल रहा है कोई बच्चा ऐसा है बिल्कुल है ऐसे बच्चे पच्चीस रेशियो का एक आ रहा है देखिए ये पच्चीस रेशियो का एक करेंगे ना तो ये गलत हो जाएगा क्यों गलत होगा आपको एक चीज क्लियर करूं एक चीज और ध्यान दीजिएगा ठीक ये यूनिट भी समान होनी चाहिए अगर संख्या लिखी गई है तब तो कोई दिक्कत नहीं है अगर यूनिट लिखा गया है तो यूनिट भी समान होना चाहिए अब यूनिट समान होने का क्या मतलब है यदि यह ग्राम में है तो यह भी ग्राम में रहे या फिर यह किलो में है तो यह भी किलो में रहे दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए अब इसको कैसे करेंगे देखिए एक किलोग्राम में एक हजार ग्राम होता है एक के जी बराबर एक हजार ग्राम आपका यहां पर होता है ठीक आपसे कहा गया है पचास ग्राम इसके साथ दो किलोग्राम का मतलब हो गया दो गुड़े का एक हजार कहिए या फिर आप कहिए कि पचास ग्राम और दो हजार ग्राम ठीक यूनिट आपने सेम कर दिया दोनों को आपने ग्राम में बदल दिया है इसके बाद से निकाल लीजिए रेशियो ठीक जीरो से आप जीरो को काट लीजिए पांच से काटेंगे एक बार में पांच से काटेंगे पांच सौ के बीस होता है यानी कि चालीस बार में ये कटेगा क्या हो जाएगा एक रेशियो का चालीस ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहां पर सही जवाब ठीक दोनों का यूनिट समान होना चाहिए ठीक अगर मान लीजिए घंटा मिनट दिया है तो दोनों को मिनट में बदल लीजिए ठीक है लीटर मिलीलीटर दिया है दोनों को मिलीलीटर में बदल लीजिए यूनिट समान रखिएगा इस बात का ध्यान रखिए यूनिट को समान रखिएगा ऐसे मत काट दीजिएगा यह गलत हो जाएगा ठीक है ये कहिए कि ऑप्शन में नहीं है नहीं तो माइनस में नंबर ले लेते आप लोग ठीक चलिए इस क्वेश्चन को करिए अच्छा अब यहां पर क्या है कोई बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है यदि एक मीटर लंबी एक रस्सी है ठीक और रस्सी के नौ रेशियो पांच के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी हो जाएगी आपसे पूछा गया है ठीक आपसे कई चीजें दी जाएंगी आपको पैसे को बांटना होगा आपको कुछ सामान होंगे उसको बांटना होगा किसी रेशियो में अब देखिए क्या है आपके पास एक रस्सी है जो कि एक मीटर लंबी है अभी तक आपने क्या किया रेशियो को कन्वर्ट किया नंबर को रेशियो में कन्वर्ट किया है ठीक है यहां पर एक सौ मीटर की रस्सी है इसके दो टुकड़े करने है। और जब दो टुकड़े टुकड़े करने और जब कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा दोनों का अनुपात नौ रेशियो का पांच हो इन दोनों का जो अनुपात होना चाहिए ये नौ रेशियो का पांच होना चाहिए अब ये नौ रेशियो का पांच का क्या मतलब है दोनों का अनुपात नौ रेशियो का पांच हो इसका क्या मतलब है देखिए ऐसे कोड वर्ड में समझिए कि अगर एक रस्सी की लंबाई 9 मीटर है तो दूसरी की लंबाई 5 मीटर होनी चाहिए ठीक एक की लंबाई 9 मीटर तो दूसरी की 5 मीटर होनी चाहिए अच्छा ऐसा है तो इसमें कैसे करेंगे सर देखिए अगर एक 9 यूनिट का है तो दूसरा 5 यूनिट का होना चाहिए ठीक तो क्वेश्चन के हिसाब से आपके रस्सी की लंबाई कितनी होगी सर इस हिसाब से अगर हम काटें कि एक को नौ मीटर में काट दे एक को पांच मीटर में काट दे ठीक है यानी कि अपना रस्सी तो चौवन चौदह मीटर का ही होना चाहिए ठीक है एक टुकड़ा मीटर हो सकता है हम कुछ कोड में मान रहे हो हम इसको चौदह मान रहे हो और क्वेश्चन कह रहा हो बस इतना ही फर्क पड़ेगा आप चौदह कह रहे हैं क्वेश्चन कह रहा नहीं आपका रस्सी एक सौ चौवन मीटर का

ठीक है यानी कि बड़ा भाग निन्यानबे मीटर का आपसे छोटे भाग की लंबाई पूछे आप कहेंगे पांच रेशियो आपका एक रेशियो ग्यारह के बराबर है तो पांच गुड़े का ग्यारह यानी कि पचपन मीटर ठीक है तो बड़ा रस्सी निन्यानवे मीटर का है छोटा भाग इसका पचपन मीटर का है छोटा भाग आपसे पूछा गया है ऑप्शन सी पचपन मीटर सही जवाब हो जाएगा ठीक है पचपन मीटर हो जाएगा सही जवाब ठीक एक्स वैक्स मानने वाला सिस्टम यहाँ पे हम लोग नहीं रखेंगे ठीक है एक्स मान के नहीं करेंगे एक्स मान के करना ही नहीं अच्छा इस क्वेश्चन को करिए तो जरा जल्दी से सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करिए ऐप नहीं चालू हो रहा है क्या करें एसएससी मेकर के कॉल सेंटर पे फोन करें ऐप नहीं चालू हो रहा है एसएससी मेकर का कॉल सेंटर नंबर दिया गया है उस पर आप करें फोन चलिए इस क्वेश्चन को करिए एक राशि है एबीसी एबीसी के बीच में 2 5 9 के अनुपात में बांटी गई है यदि ए को 2500 मिला है तो कुल राशि कितनी हो जाएगी ठीक है आपके पास कुछ पैसा है ठीक आपने कहा आपसे कोई पूछा किस हिसाब से बांटे हैं आप कहेंगे देखिए तीन लोगों को पैसा बांटे हैं और हम हिसाब लगाए थे कि दो पांच और नौ के रेशियो में बांटेंगे आपने अपने हिसाब से दो पांच और नौ के रेशियो में इस पैसे को बांट दिया ठीक है आपने दो पांच और नौ के हिसाब रेशियो में इस पैसे को बांट दिया ठीक अच्छा आप जब गए तो आपको पता चला अरे एक को तो पच्चीस सौ रुपया मिला है आप तो बोल रहे थे कि दो रेशियो दिए तो आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल दो रेशियो दिए रेशियो का पहले मतलब समझिए मैंने कहा आपको दो रेशियो दिया है ठीक और उसके पास पैसा कितना पड़ा है उसके पास तो पड़ा है ठीक है यानी मेरा दो रेशियो पच्चीस सौ रुपए के बराबर है दो रेशियो पच्चीस सौ रुपए का बराबर है तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा जब इसकी कटिंग करेंगे तो पता चलेगा एक रेशियो साढ़े बारह सौ रुपए के बराबर हो जाएगा ठीक है एक रेशियो किसके बराबर तो एक रेशियो साढ़े बारह सौ रुपए के बराबर हो जाएगा ठीक है अच्छा अब यहां बता दीजिए कुल राशि कितनी है आपने कुल मिला के कितना पैसा बांटा है आप कहेंगे सर देखिए ए को मिला है ए बी सी को कुल मिला के आपने कितना पैसा बांटा है आप कहेंगे देखिए अगर ऐसा है तो रेशियो के हिसाब से दो रेशियो दिए हैं ए को पांच रेशियो दिए हैं बी को और नौ रेशियो दिए हैं सी को ठीक रेशियो के हिसाब से नौ पांच चौदह दो सोलह रेशियो आपने बांटा है और आपका एक रेशियो क्वेश्चन के 1250 के बराबर है 1250 रुपए के बराबर है तो 16 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा 16 गुड़े का 1250 यानी कि जीरो 16 पंजे अस्सी का जीरो कैरी आठ सोलह दूना बत्तीस आठ चालीस का जीरो कैरी चार सोलह एकम सोलह चार हो गया बीस यानी कि ये क्या है ये तो बीस हजार दिख रहा है कुछ बच्चे 2000 दो हजार लिख रहे थे ठीक है कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बीस आपने कितना पैसा बांटा है आप कहेंगे मैंने बीस बांटा है ठीक है अच्छा आपको एक यहां पर मैं होमवर्क दूंगा कि आप मुझे बताइए बी को कितना रुपया मिला ठीक आप मुझे बताइए सी को कितना रुपया मिला यह आपके लिए रहेगा होमवर्क ठीक बी को कितना रुपया मिला सी को कितना रुपया मिला बी को मिला है पांच रेशियो एक रेशियो का मान आपके सामने है सी को मिला है नौ रेशियो एक रेशियो का मान आपके सामने है इसका इस्तेमाल करके आप इन सवालों का आंसर यहां पर देंगे ठीक है आइए इस क्वेश्चन को करिए ठीक है कर लेंगे ना सारे बच्चे चलिए इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से तेईस सौ रुपए को पी क्यू आर एस के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाना है कि पी क्यू आर एस का अनुपात दो पांच और छ का रहे ठीक पी और एस के हिस्सों का योगफल यहां पर बताना है अब बता दीजिए जल्दी से सारे बच्चे ठीक है धूप में दिखता नहीं है तो धूप कहां है चलिए आपके पास तेईस सौ रुपए है आपको कहा गया बांटिए इनको चार लोगों के बीच में ठीक है आपके पास पी क्यू आर और एस के बीच में बांटने के लिए तेईस सौ रुपया आपको दिया गया कहा गया ध्यान रखिएगा पी क्यू आर एस के बीच में जब बांट रहे हो तो इस रेशियो को मेंटेन रखिएगा दो नौ छे दो छे नौ और छ के रेशियो में आपको इसको बांटना है आप कहेंगे ठीक है बांट देंगे क्या दिक्कत है ठीक है आप यहां से देखेंगे तो दो छे आठ आठ नौ सत्रह और सत्रह छह हो गया तेईस आप कहेंगे सर यहां के हिसाब से तो आपने सिर्फ तेईस रुपया हुआ ठीक है कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से तो तेईस सौ है यानी कि तेईस रेशियो बराबर कितना तो तेईस रेशियो बराबर तेईस सौ रुपया ठीक है रेशियो का मतलब हो गया तेईस सौ रुपया तो एक रेशियो का मतलब कितना है? आप कहेंगे सर अगर ऐसा है तो एक रेशियो बराबर हो जाएगा सौ रुपया मतलब अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले पी का हिस्सा निकाला उसके बाद एस का हिस्सा निकाला और उसके बाद हिस्सा निकाल के कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जोड़ा है कितने बच्चों ने किया है पी का हिस्सा है दो रेशियो यानी कि दो गुड़े का सौ और एस का हिस्सा है छे रेशियो यानी कि छे गुड़े का सौ कितने बच्चों ने पहले 200 निकाला और फिर से 600 निकाला और उसके बाद दोनों ने आपस को जोड़ आपस में जोड़ा कितने बच्चे हैं ऐसे 800 आंसर लाने वाले ठीक है देखिए ऐसे कर रहे हैं ठीक है इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है रेशियो में ही जोड़ लीजिए ना क्या दिक्कत है पी और एस का हिस्सा पूछा गया है तो पी के पास है दो रेशियो एस के पास है छह रेशियो कुल मिला के हो गया आठ रेशियो एक रेशियो का मतलब होता है सौ तो आठ गुड़े का सौ यानी कि आठ सौ बस आंसर आ गया ऐसे भी कर सकते हैं ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब ठीक है तो बस ऐसे आठ सौ आंसर दे दीजिए ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए इस क्वेश्चन को करिए अच्छा अब यहां से क्या होगा आपको रेशियो को मैं मर्ज करना सिखाऊंगा ठीक रेशियो को यहां पर हम लोग मर्ज करेंगे मर्ज करने का मतलब क्या है आपको दो अलग अलग रेशियो दिया जाएगा ठीक और आपसे पूछेगा कि दोनों ए बी का रेशियो अलग दे दिया बी सी का रेशियो अलग दे दीजिए आपसे पूछेगा जरा बताइए ए बी और सी तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा ठीक है ए बी और सी तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा एक बार सारे के सारे बच्चे इसका आंसर दीजिए ए बी सी तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा रेशियो को मर्ज करना है अब रेशियो को मर्ज कैसे किया जाएगा, जाएगा? रेशियो को मर्ज कैसे किया जाता है सीखिए इस चीज को आपको दिया गया ए बी का रेशियो इसके साथ आपको दिया गया बी सी का रेशियो ठीक हमको निकालना है ए बी और सी का रेशियो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है कि इनको आपस में मिलाइए और कैसे मिलाइए तो उस नम उस चीज को बीच में रखना है जो दोनों में दिख रहा हो मिलाने के लिए क्या चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो ए को भी जानता हो और एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सी को भी जानता हो दोनों को जानता हो वही तो मिलाएगा अब जैसे यहां पर देखिए ये बी जो है ये तो आपको ए के साथ भी खड़ा हुआ दिख गया ठीक है और यहां पर जो बी है ये सी के साथ भी खड़ा है यानी ये बी ए को भी जानता है और ये बी सी को भी जानता है ये तो दोनों लोगों को जानता है तो बस जो जानता है वही वह इन दोनों लोगों को मिलाएगा कौन जानता है बी तो जो जानता है जो दोनों जगह दिख रहा है वो बीच में होना चाहिए इस बात का ध्यान रखिएगा ठीक जो जानता है जो दोनों जगह दिख रहा है वो बीच में बिचौलिया बिल्कुल तो आपका ये रहा रेशियो का नौ इसके बाद आप बीसी की वैल्यू को रखेंगे तो ये हो जाएगा तीन रेशियो का सात इसके आगे क्या करें इसके आगे देखिए यहां पर एक खाली स्पेस है यहां पर भी एक खाली स्पेस है इसमें क्या करते हैं इस वाली संख्या को यहां पर भरते हैं इस वाली संख्या को यहां पर भरते हैं तो ये यहां पर नौ लिख देंगे और यहां पर तीन लिख देंगे और इसके बाद रेशियो निकाल लेंगे चार और तीन को गुड़ा करेंगे बारह नौ और तीन को गुड़ा करेंगे सत्ताईस नौ और सात को गुड़ा करेंगे हो जाएगा छप्पन ठीक है तो क्या ये नौ सतह हो जाएगा तिरसठ ठीक है तो क्या ये बारह सत्ताईस तिरसठ आपका रेशियो हो जाएगा ऐसा तो सर ऑप्शन में है ही नहीं अच्छा नहीं है यानी जरूर कुछ ना कुछ कट रहा होगा कैसे कटेगा तीन से काटेंगे तीन चौ के बारह तीन नवा सत्ताईस और तीन से इक्कीस बार में ये कटिएगा तो चार नौ इक्कीस इसका हो जाएगा सही जवाब आपने क्या किया आपने रेशो को मिला दिया तो ये होता है रेशो को मिलाने का तरीका दो रेशो मिले तीन रेशो मिले चार पांच कितना भी रेशो हो मिला देंगे ठीक कर लेंगे सारे बच्चे नंबर पे कॉल कर रहे हैं नंबर बिजी आ रहा है देखिए अभी पता है कि इस समय बहुत से बच्चे आ रहे हैं बहुत से बच्चे कॉल करते हैं इस वजह से बिजी है है ठीक है? आपको या तो वो लोग कॉल करेंगे या फिर लास्ट में क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा ठीक है वहां से आपको कॉन्टेक्ट कर लिया जाएगा ठीक ये रहा आपका चार नौ इक्कीस ऑप्शन सी हो गया सही जवाब ठीक है कर लेंगे सारे बच्चे आइए अगले क्वेश्चन पे चलिए इस क्वेश्चन को करिए तो जरा जल्दी से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को करिए क्या कहा गया है ए बी का रेशियो सी बी का रेशियो आपको दिया गया है आपसे एसी का रेशियो पूछा गया है तो एसी का रेशियो क्या हो जाएगा जल्दी से सभी का आंसर चाहिए मुझे आप सबसे आंसर चाहिए जल्दी से आंसर दीजिए चलिए इस क्वेश्चन को करिए ए और बी का रेशियो है चार और पांच का ए और बी का रेशियो क्या है चार और पांच का है ठीक अच्छा यहां पर क्या किया है थोड़ा सा आपके साथ छेड़खानी किया गया है छेड़खानी कैसे किया गया है मैंने कहा जो रेशियो ध्यान रखिए जो रेशियो दोनों में कॉमन है जो चीज दोनों में कॉमन है वो बीच में होना चाहिए ठीक जैसे ये बी आपको यहां पर भी दिख रहा है ये बी आपको यहां पर भी दिख रहा है अब यहां पर गलती क्या होती है एक चीज उस गलती का भी ध्यान रखिएगा बच्चे ऐसे लिखते हैं ए रेशियो बी रेशियो से ठीक इसको भरते कैसे हैं ए और बी का रेशियो ऐसे चार रेशियो का पांच लिख देते हैं ठीक है और बी और सी का रेशियो क्या करते हैं बी और सी का रेशियो जब लिखते हैं तो ऐसे दस रेशियो का तीन कर देते हैं ठीक और जल्दबाजी में ऐसे कर देते हैं गलती और गलती कैसे हुई है B की वैल्यू B की जगह पे और C की वैल्यू C की जगह पे लिखना है इस बात का ध्यान रखिएगा B की वैल्यू B की जगह पे C की वैल्यू C की जगह पे होनी चाहिए तो कैसे होगा जैसे A रेशियो B रेशियो C निकालना है AB की वैल्यू दे रखा है चार रेशियो का पांच ठीक पहले सी लिखा है सी की वैल्यू सी के नीचे और बी की वैल्यू बी के नीचे आनी चाहिए बस इतना ही ध्यान रखना है यहां पर खाली स्पेस है पांच से भरिए पर खाली स्पेस है तीन से भरिए चार तिया हो गया बारह पांच तिया हो गया पंद्रह और पांच दहा में हो जाएगा पचास तो बारह पंद्रह पचास ये रहा आपका आंसर कितने बच्चों का आ रहा है बारह पंद्रह पचास ए बी सी का रेशियो है आपसे सिर्फ ए और सी के बारे में पूछा गया है, तो पच्चीस ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब ठीक है इस गलती से बचिएगा और देखिए कैसे यह गलती होता है करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से सारे बच्चे थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे इस क्लास में थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे और ठीक है लंच टाइम है इसीलिए गलत हो जाता है लंच टाइम आपका भी है मेरा भी तो लंच टाइम है इस क्वेश्चन को करिए हाँ आपको क्या लगा बुद्धू है आंसर नहीं आएगा अच्छा चलिए बुद्धू देख लेते हैं आपकी बुद्धि करिएगा इस क्वेश्चन को ए और बी का रेशियो दिया हुआ है ए और सी का रेशियो दिया हुआ है जरा मुझे ए सी का रेशियो निकाल के दिखाइए जल्दी से सारे बच्चे सी का रेशियो निकाल दीजिए ठीक है एक सौ पैंसठ सेंटीमीटर हाइट यूपी पुलिस में तो आई थिंक नहीं होगा वन सिक्सटी एट था आपका हाइट ठीक है कोई दिक्कत नहीं सीएल सीए जैसे तैयारी करिए बहुत से ऑप्शन है और बिल्कुल रिकॉर्डेड मिलेगा ये क्लास चलेगी इसके बाद ऐप पर रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा ठीक है अच्छा यहां पर देखिए क्या है यहां पर भी गलती होगी आप सीधा लिखेंगे आंसर गलत आ जाएगा ठीक है डी आंसर आ रहा है एक रेशियो का पांच आंसर आ रहा है ठीक है जल्दी से आंसर दीजिए सारे बच्चे अच्छा देखिए क्या ढूंढना है आपको यहां पर लिखना है जैसे मान लीजिए आपने ए बी सी लिखा जरूरी नहीं है ए बी सी ही लिखे बीच में वही होना चाहिए जो दोनों जगह दिख रहा हो बीच में वही होना चाहिए जो दोनों जगह दिख रहा हो कौन दिख रहा है यहां पर तो बी दिख रहा है यहां पर बी नहीं दिख रहा है अच्छा ये तो ए दिख रहा है यहां पर और इसके साथ भी ये दिख रहा है तो दोनों जगह कौन दिख रहा है दोनों जगह दिख रहा है ए तो बीच में रहेगा ए अब ए को बीच में कैसे रखेंगे तो कैसे भी रख सकते हैं बी को इधर रख दीजिए और सी को कह दीजिए भाई साहब थोड़ी देर के लिए आप यहां पर आ जाइए ठीक है सी को थोड़ी देर के लिए इधर कर दीजिए और बी को थोड़ी देर के लिए इधर कर दीजिए ए के नीचे ही ए की वैल्यू होनी चाहिएगा ए के नीचे ही ए की वैल्यू होनी चाहिए बी के नीचे ही बी की वैल्यू होनी चाहिए ए के नीचे ही ए की वैल्यू होनी चाहिए और सी के नीचे सी की वैल्यू होनी चाहिए एक चीज और यहां पर सीख लीजिएगा पहले इसको क्वेश्चन को करते हैं फिर से सिखाते हैं खाली स्पेस है तीन से भरेंगे खाली स्पेस है तीन से भरेंगे बीस तिया का साठ तीन तिया का नौ और चार तिया बारह ठीक है तो ये हो जाएगा आपका आंसर आपसे बी और सी का मान पूछा है तो पहले लिखना है बी का मान उसके बाद लिखना है सी का मान पहले लिखना है बी की वैल्यू उसके बाद लिखना है सी की वैल्यू बारह पंजे होता है साठ तो एक रेशियो का पांच हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन डी आएगा यहां पर सही आंसर एक रेशियो का पांच यहां पर हो जाएगा सही जवाब ठीक है तो जिसका भी आंसर आया है बिल्कुल सही है न्यू बैच ऐप पर दिख रहा है क्लास ऐप पर नहीं दिख रही है ये कहिए क्लियर बताइए ठीक है क्लास खत्म होगी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा तीन दिन क्लास यूट्यूब पर बाकी की क्लास ऐप पर तीन दिन क्लास क्लास पर पर बाकी ऐप ठीक है तो बी सी का रेशियो एक और पांच का हो जाएगा मैं यहां पर आपको क्या सिखाना चाह रहा था जैसे मैंने कहा देखिए सी है ए है, है और बी है ठीक वैल्यू थी तीन चार और इधर वैल्यू था बीस और तीन का तो मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि इनको मिलाने वाला कौन है आप कहेंगे सर इनको मिलाने वाला ए है ए सी के साथ भी है ए बी के साथ भी है अच्छा दोनों जगह ए की वैल्यू बराबर दिख रही है यहां पर भी ए की वैल्यू तीन है यहां पर भी ए की वैल्यू तीन है तो रेशियो क्या हो जाएगा रेशियो इस 20 को उतार तीन को उतार दीजिएगा चार को उतार दीजिएगा ठीक है तो सी ए बी का रेशियो बीस तीन चार का हो जाएगा ठीक यहां से B का रेशियो है चार B की वैल्यू है चार और C की वैल्यू है बीस तो चार रेशियो बीस का मतलब क्या हो जाएगा एक रेशियो का पांच हो जाएगा यहां पर सही जवाब ठीक है ऑप्शन डी एक रेशियो का पांच हो जाएगा यहां पर सही जवाब ठीक है रेशियो 20 20 तो गैप के बगल वाली संख्या को यहां पर भरिए ठीक गैप यहां है तो गैप के बगल वाली संख्या को यहां पर भरना होता है ठीक है इस बात का ध्यान रखिएगा ठीक है ये रही ऑप्शन डी एक रेशियो का पांच हो गया सही जवाब ठीक है आंसर इस पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगाइएगा और इसको याद रखिएगा कि ऐसा भी एक क्वेश्चन आया था जिसको आपने गलत किया था ठीक है अरे चार पंजे बीस होगा दो रेशियो का दस कैसे आंसर आ रहा है चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इस क्वेश्चन को आप सभी लोग करिए अब यहां पर ए भी है बीसी भी है सी भी है चार चार चीजें हैं इनको मर्ज करना है जल्दी से सारे बच्चे मर्ज करके दिखा दीजिए इस क्वेश्चन को जल्दी से सारे बच्चे मर्ज करके दिखाइए ए बी है बी सी है सी डी है ठीक है आपके पास क्या करना है ए और डी का रेशियो निकालना है सबसे पहले हम यहाँ पर रेशियो निकाल लेंगे ए बी सी और डी चारों का ए रेशियो का बी रेशियो का सी रेशियो का डी ठीक है ये है ए और बी का जो रेशियो है ये तीन रेशियो का चार है सी बी और सी का जो रेशियो है ये पांच रेशियो का छ है सी और डी का जो रेशियो है ये बारह रेशियो का सत्रह है आपको क्या करना है सबसे पहले ए बी सी और डी चारों का रेशियो निकालना है उसके बाद क्या करना है ए का रेशियो बता दीजिए चलिए जरा इसको करिए तो इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से अब देखिए खाली स्पेस यहां पर भी है खाली स्पेस यहां पर भी है खाली स्पेस यहां, यहां पर है यहां पर है और यहां पर आपको खाली स्पेस दिख रहा है अब इसमें क्या करेंगे ये जो खाली स्पेस है, इसमें बगल वाली संख्या यानी कि चार और चार भरा जाएगा इस खाली स्पेस में बगल वाली संख्या यानी कि छे भरा जाएगा इसमें क्या भरा जाएगा इसके बगल में पांच लिखा है तो पांच भरा जा जाएगा इसमें इसके बगल में बारह लिखा है तो यहां पर भी बारह यहां पर भी बारह भरा जाएगा ठीक सबको गुड़ा कर देंगे एबीसीडी की वैल्यू आ जाएगी सबको गुड़ा करेंगे तो एबीसीडी की वैल्यू आ जाएगी कितना तीन पंजे पंद्रह बारह एक सौ अस्सी चार पंजे बीस को बारह से गुड़ा कर देंगे दो सौ चालीस बारह छके बहत्तर चौके आपका दो सौ अट्ठासी और सत्रह पचे पचासी सत्रह छके एक सौ दो चार के चार सौ आठ ठीक है ये रहा ए बी सी और डी का रेशियो आपको सिर्फ ए और डी का रेशियो देना है ठीक है सिर्फ ए और डी का रेशियो बताना है ए की वैल्यू है 180 और डी की वैल्यू है 408 ठीक है तो ए रेशियो का डी बराबर क्या हो जाएगा ए रेशियो का डी बराबर ये 180 और 408 किससे कटेगा क्या चार से कटेगा क्या चार चौके सोलह चार पंजे बीस चार दहा में चालीस चार दुना आठ से कटेगा पंद्रह बार में से कटेगा तीन तिया नौ तीन चौके बारह चौतीस बार में यानी पंद्रह का चौतीस ऑप्शन आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा यहां पर सही जवाब ठीक है कर लेंगे अच्छा सी एच एस एल मैथ से पढ़े थे और मैथ स्ट्रांग हो गया है अच्छी बात है कहीं भी पढ़ेंगे मैथ्स में पढ़ाऊंगा कंप्लीट पढ़ाता हूं और बेहतरीन ढंग से कोई भी चीजें पढ़ाई जाएंगी कोई भी चीजें कराई जाएंगी सब एक से बेहतर एक रहेंगे ठीक है जी वाले बच्चे थोड़ा सा आपको रीजनिंग में दिक्कत आएगा रीजनिंग में आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा क्योंकि रीजनिंग तो चलिए 80 परसेंट सेम है लेकिन 20 परसेंट चीजें बदलती हैं उसको आपको पढ़ना होगा ठीक पीडीएफ वगैरह सब चीजें मिलेंगी और जो आपकी पहली की क्लासेस है उसमें प्रैक्टिस सेट वगैरह सारी चीजें पड़ी हुई हैं ठीक है पुराना बैच लिए हैं नए बैच से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है चलिए इस क्वेश्चन को करिए

ठीक है तो ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं है कि पहले बी का हिस्सा निकाले फिर से सी का हिस्सा निकाले उसके बाद अंतर निकाले आप रेशो में भी अंतर को निकाल सकते हैं ठीक सबसे पहले रेशो को मर्ज करना है और उसके बाद सबसे पहले को मर्ज करना है उसके बाद जैसे पैसे को बांटना पहले के दो तीन क्वेश्चन में सिखाए हैं उससे आपको करना है ठीक है चलिए इसको करिए आपके क्या करना है एक पैसे को चार लोगों के बीच में बांटना है तो कभी भी रेशियो अलग अलग दिया हो ठीक कभी भी रेशियो अलग अलग दिया हो ए बी का रेशियो अलग दे दिया बी सी का रेशियो अलग दे दिया सी डी का रेशियो अलग दे दिया तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे सारे रेशियो को आपस में मर्ज करेंगे सबसे पहले रेशियो को आपस में मर्ज करना है तो आइए सबसे पहले हम लोग रेशियो को मर्ज करते हैं ठीक क्या है ये ए बी का रेशियो है आठ नौ का बी सी का रेशियो क्या है तीन पांच का ठीक है सी डी का रेशियो क्या है तो एक और दो का है जहां जहां खाली स्पेस आपको दिख रहे हैं बगल की संख्या भर दीजिए खाली स्पेस में बगल की संख्या खाली स्पेस में बगल की संख्या बगल की संख्या खाली स्पेस में इसको भरिए इसके बाद कर दीजिए गुड़ा ठीक है आठ तिया का हो जाएगा चौबीस नौ तिया हो जाएगा सत्ताईस नौ पंजे पैंतालीस और पैंतालीस दूने का हो गया नब्बे ठीक है ये रहा आपका रेशियो और भी कटेगा तो काट दीजिए जैसे तीन से तीन अठे चौबीस तीन नवा सत्ताइस तीन से काटेंगे पंद्रह बार में और तीन से काटेंगे तीस बार में तो ए बी सी डी का रेशियो हो गया आठ नौ पंद्रह और तीस का ए बी सी डी का रेशियो क्या हो गया आठ नौ पंद्रह तीस का अब पैसे को बांट दीजिए ठीक है चलिए जरा पैसे को बांटिए तो अगर ए को आठ दे रहे हैं तो बी को नौ दे रहे हैं यानी कि सत्रह सत्रह में पंद्रह जोड़ेंगे हो जाएगा बत्तीस और बत्तीस में तीस जोड़ेंगे तो हो जाएगा बासठ यानी कुल मिला के रेशियो में आपने बासठ रुपए बांटे ठीक है कुल मिला के रेशियो में बासठ बांटे और क्वेश्चन के हिसाब हिसाब ने से छ सौ बांटा बारह हजार छोटे दो सौ एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी दो सौ आपसे जिसका भी हिस्सा पूछे आप उसका हिस्सा बता सकते हैं ए का हिस्सा बी का हिस्सा सी का हिस्सा डी का हिस्सा हर एक हिस्से को बता सकते हैं ठीक है आपसे क्या पूछा गया है बी और डी के हिस्सों के बीच का अंतर

कर लेंगे बयालीस सौ हो जाएगा यहां पर सही जवाब बयालीस सौ हो जाएगा सही जवाब गलत है क्या गलत है सौरभ सिंह बताइए क्या गलत है चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चला जाए अलग अलग हिस्से भी निकाल सकते हैं लेकिन अंतर पूछे योग पूछे तो सीधे आप रेशियो को ही जोड़ लीजिए रेशियो को जोड़ लीजिए रेशियो को घटा लीजिए आंसर दे दीजिए किसी बच्चे के मन में ऐसा तो डाउट नहीं है सर माइनस का बयालीस सौ आंसर आएगा कोई बच्चा ऐसा तो नहीं सोच रहा सर बयालीस सौ आएगा लेकिन माइनस में कहाँ कट रहा है आठ नौ सत्रह सत्रह पंद्रह अच्छा एक मिनट हाँ कट तो नहीं रहा है बात तो बिल्कुल सही कहे हैं कट नहीं रहा है तो फोर कर लीजिए बासठ दुना का एक सौ चौबीस ठीक है यहां को कर लीजिए फोर ठीक अब कट रहा है ठीक है अब कट रहा है कर लेंगे सारे बच्चे एक बार और जोड़ लूँ आठ नौ सत्रह पंद्रह बाईस बाईस तीस 32 और तीस बासठ ठीक है वन टू फोर होगा ठीक है वन टू फोर होगा ठीक दो सौ वन टू फोर कर लीजिए दो सौ आ जाएगा ठीक चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हाइट कितनी होनी चाहिए लेंथ कितना होना चाहिए चेस्ट कितना होना चाहिए भाग दौड़ कितनी चाहिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इन सब के लिए आपको अलग अलग वीडियोज बनाए गए हैं ठीक है इन सबके लिए वीडियो बनाया गया है जिस दिन नोटिफिकेशन आया था नोटिफिकेशन मैंने भी दे रखा है अजय सर में भी, ने भी आ, नोटिफिकेशन दे रखा है ठीक है तो उस नोटिफिकेशन से देख लेंगे तो एज क्या होनी चाहिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए हर चीज पता चल जाएगा ठीक कल से फॉर्म भरा जाना है ठीक है कल से आपका फॉर्म भरा जाना है तो जब कल से फॉर्म भरा जाएगा तो फॉर्म भी कैसे भरना है यह भी चीजें आपको बता दिया जाएगा ठीक है चलिए इस क्वेश्चन को करिए इस क्वेश्चन को करिए वन टू फोर कर लीजिए आंसर आ जाएगा अब देखिए रिशो में एक और यही ये, ये एक और आपका टाइप है इस टाइप में क्या है जैसे इसमें लिखेगा बराबर, बराबर, ठीक है दो चीजों को तीन चीजों को ऐसे बराबर करेगा आपसे कहेगा कि अगर ऐसा है तो ए बी सी का रेशियो बता दीजिए ठीक है तो कैसे करेंगे इस सवाल को एक बार सारे बच्चे कोशिश करिए क्या किसी को ये आता है कैसे किया जाता है ठीक है एक बार करिए तो कैसे होगा अब देखिए ये क्या हो जाएगा? जैसे आपके सामने लिखेगा 4A बराबर, 5B बराबर, क्या लिखा 4A बराबर, 6B बराबर, 5C. ये आपके सामने क्वेश्चन में लिखा गया इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं ठीक है इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं कौन सा तरीका होता है अब देखिए सबसे पहले ये चार छ और पांच इन तीनों का आप एलसीएम निकाल लीजिए लघु का और पांच का अगर आप एलसीएम निकालेंगे निकालना आता हो तो लिए नहीं तो आपके अभी कुछ दिन के बाद एलसीएम भी मैंने पढ़ाने मैं वाला हूं ठीक है चार एलसीएम कितना हो जाएगा तो चार छ का तो हो जाएगा आपका बारह और बारह पांच का हो जाएगा साठ ठीक है तो साठ आपका एल्शियम हो जाएगा इस एल्शियम को ले लीजिए इसको क्या करना है जैसे आपके सामने लिखा है फोर ए बराबर सिक्स बी और इसको किया गया है फाइव सी के बराबर ठीक है आपने साठ का एल्शियम लिया है ना तो सब में साठ से भाग दे दीजिए इसको भी इसको भी साठ से भाग दे दीजिए इसको भी साठ से भाग दे दीजिए ठीक है इससे क्या हो जाएगा चार से काटेंगे पंद्रह बार में छह से काटेंगे दस बार में और पांच से काटेंगे तो बारह बार में कटेगा ठीक ऊपर कोई भी संख्या नहीं रहनी चाहिए ऊपर कोई भी संख्या नहीं रहनी चाहिए ए बराबर का बी बराबर का सी ठीक ए के नीचे लिखा है पंद्रह बी के नीचे लिखा है दस और सी के नीचे लिखा है बारह ऊपर कोई भी संख्या नहीं है अगर ऐसा बन गया तो क्या हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर पंद्रह दस और बारह हो जाएगा ए बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा तो ये पंद्रह दस और बारह का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब ठीक है ये आपका होता है एल्सियम वाला मेथड पंद्रह दस बारह के बराबर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा सही जवाब ठीक है कर लेंगे सभी लोग अच्छा आइए इसका एक शॉर्ट ट्रिक आपको मैं देता हूं सेकंड मेथड कहिए या फिर शॉर्ट ट्रिक कहिए। कैसे करना है ध्यान दीजिए आपको क्या दिया गया है फोर ए बराबर सिक्स बी बराबर फाइव सी ये दिया गया है आपको क्या निकालना है आपको ए रेशियो का बी रेशियो का सी निकालना है जब आप ए की वैल्यू निकालेंगे ठीक है तो ए के साथ लिखे गए संख्या को छोड़ दीजिए बाकी जो दो संख्याएं हैं जैसे छह है और पांच है तो छे को पांच में गुणा करिए तो छे पंजे का हो जाएगा तीस ठीक जब आप बी की वैल्यू को निकालेंगे तो बी के साथ लिखी हुई संख्या को छोड़ दीजिए बाकी जो दो संख्याएं दिख रही हैं जैसे चार और पांच इसको गुणा कर दीजिए जब आप सी की वैल्यू निकालेंगे तो सी के साथ लिखी हुई संख्या को छोड़ दीजिए बाकी दोनों संख्या चार और छे को आपस में गुड़ा कर लीजिए ठीक है इसमें कुछ कॉमन कटरा हो जैसे दो से पंद्रह बार में दो से दस बार में और दो से बारह बार में तो इसको काट लीजिए क्या हो जाएगा पंद्रह दस बारह क्या यही आ रहा था पहले भी पंद्रह दस बारह ही आ रहा था इसमें आपको एलसीएम नहीं निकालना पड़ेगा और आप आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे तो ऑप्शन ए पंद्रह दस बारह आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा ठीक है कर लेंगे सारे बच्चे ऑप्शन ए पंद्रह दस बारह आपका सही जवाब हो जाएगा ठीक है इस क्वेश्चन को लगाइए तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सभी लोग करेंगे यदि ए का दो गुना बी के तीन गुने और सी के चार गुने के बराबर है तो क्या ए रेशियो बी सी क्या हो जाएगा ए का दो गुना बी के तीन गुना और सी के चार गुने के बराबर है तो ए रेशियो का बी रेशियो का सी क्या हो जाएगा कहने का मतलब है कि अगर आपने ए का दो गुना कर दिया जैसे ए लिखा है अगर आपने ए को दो गुना कर दिया ठीक अगर आपने बी को तीन गुना कर दिया और अगर आपने सी को चार गुना कर दिया तो ये सभी की सभी आपस में बराबर हो जाएंगे ठीक ए का दो गुना बी का तीन गुना और सी का चार गुना ये आपस में बराबर है आपको ए रेशियो का बी रेशियो का सी बताना है बताइए जल्दी से सारे बच्चे ए रेशियो का बी रेशियो का सी और कौन सा मेथड लगा रहे हैं ये भी बता दीजिए एलसीएम लगा रहे हैं या फिर शॉर्टकट से कर रहे हैं ये भी बताइए कौन सा मेथड लगा रहे हैं देखिए आपको मैं कह रहा हूं ए की वैल्यू चाहिए ना आपको ए की वैल्यू चाहिए ए के साथ लिखे संख्या को छोड़ दीजिए बाकी दोनों को आपस आप में गुड़ा कर लीजिए तीन चौके बारह कर लीजिए आपको बी की वैल्यू निकालनी है बी के साथ लिखी हुई संख्या को छोड़िए बाकी दोनों को गुड़ा कर लीजिए दो चौके आठ कर लीजिए सी की वैल्यू निकालनी है सी के साथ लिखी हुई संख्या को छोड़ दीजिए बाकी दोनों को गुड़ा कर लीजिए तीन दोनों का छे कर लीजिए ठीक है अब इसके बाद कुछ कट रहा है कट रहा है दो से बार में छ से चार बार में और दो से तीन बार में तो छह और तीन हो जाएगा इसका रेशियो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब छ चार और तीन हो जाएगा इसका सही जवाब ठीक है छह चार तीन हो जाएगा सही जवाब यह है आपका शॉर्ट ट्रिक इससे आएगा जल्दी आंसर ठीक एल्शियम निकालने से बच जाएंगे क्योंकि बहुत से बच्चों को अभी एल्शियम निकालना ही नहीं आता होगा ठीक है यह भी समस्या रहती है आइए इस क्वेश्चन को कर दीजिए सेम क्वेश्चन है बस यहाँ पर पैसे को बांटना है थोड़ा सा पैसा बांट के दिखाइए कैसे पैसे को बांटते हैं आप करिए तो इस क्वेश्चन को यदि आपके पास छ हजार दो सौ पच्चीस रुपए की धनराशि है आपसे कहा गया कि इस धनराशि को तीन हिस्से में इस प्रकार बांटिए कि पहले हिस्से का चार गुना दूसरे हिस्से का पांच गुना तथा तीसरे हिस्से के सात गुना ये तीनों आपस में बराबर हो जाए तो पहले और दूसरे हिस्सों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा या फिर पहला हिस्सा क्या हो जाएगा दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा तीसरा हिस्सा क्या हो जाएगा सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है चलिए लगाइए जल्दी से सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सभी के सभी लोग इस क्वेश्चन को करेंगे और सभी लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा ठीक है क्योंकि क्लास यूट्यूब पे हो रही है ऐप पर तो ये बोल नहीं सकते हैं ठीक चलिए इस क्वेश्चन को करिए देखिए आपके पास छ रुपया पड़ा हुआ है इसके तीन हिस्से करने हैं मान लीजिए ये पहला हिस्सा मान लीजिए ये दूसरा हिस्सा और मान लीजिए ये तीसरा हिस्सा ठीक आपने इसके तीन हिस्से कर दिए ठीक अच्छा इसके बाद क्या हुआ इसके बाद कहा गया ऐसा हिस्सा बनाइए कि जब पहले हिस्से का चार गुना किया जाए और जब दूसरे हिस्से का पांच गुना किया जाए और जब तीसरे हिस्से का सात गुना किया जाए तो ये आपस में बराबर हो जाए ठीक है पहले हिस्से का जब दो गुना करें दूसरे का तीन गुना करें पांच गुना करें और तीसरे का सात गुना करें तो आपस में बराबर हो जाए यानी आप कहेंगे सर ये तो तब ऐसे फाइव बी बराबर सेवन सी बिल्कुल ये ऐसे ही बनेगा उसके बाद रेशियो निकालना होगा और उस रेशियो से पैसे को बांट देना होगा ठीक है यानी दो क्वेश्चन को एक में डाल दिया गया ठीक करिए सारे बच्चे देखिए तो आपको यहां पर ए बी और सी का रेशियो निकालना होगा सबसे पहले ठीक ए के लिए क्या करेंगे बी सी को गुड़ा करेंगे ठीक है बी के लिए क्या करेंगे यहां इसको गुड़ा कर देंगे सी के लिए क्या करेंगे इन दोनों को गुड़ा कर देंगे ठीक है तो ए बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा पैंतीस अट्ठाईस और बीस का पैंतीस अट्ठाइस और बीस का कितने पैसे बांटने हैं छह हजार दो सौ पच्चीस रुपए को पैंतीस अट्ठाइस और बीस के हिस्से में आपको बांटना है कैसे हो जाएगा अगर यहाँ पर बांटेंगे तो जोड़िए 20 20 40 40 30 70 70 8 5 13 होता है 83 83 यानी कि 83 हो जाएगा 83 रेशियो बराबर 6225 रुपए बांटने हैं एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 8 7 होता है 56 ठीक है आपको 6225 को तिरासी से भाग देना है ठीक है 8 7 होता है 56 7 3 21 किसका एक कैरी हो जाएगा दो छप्पन दो हो जाएगा अट्ठावन पांच कि, कि एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी पचहत्तर एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो ये हो जाएगा पचहत्तर एक रेशियो का वैल्यू कितना पचहत्तर ठीक आपसे क्या पूछा गया है आपसे पहले और दूसरे हिस्से के बीच का अंतर पूछा है ये रहा पहला हिस्सा ये रहा दूसरा हिस्सा दोनों के बीच का अंतर कितना है तो पहले और दूसरे हिस्से के बीच का अगर आप यहां पर अंतर करेंगे तो ये आ जाएगा रेशियो में सात एक रेशियो की वैल्यू पचहत्तर सात रेशियो की वैल्यू पचहत्तर गुड़े का सात ठीक है सात पंजे पैतीस उनचास में तीन जोड़ दीजिए हो जाएगा बावन यानी कि दोनों हिस्सों के बीच का अंतर हो जाएगा पांच ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब दोनों हिस्से का बीच का अंतर पांच कितना हो जाएगा 525 ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब ठीक है आइए आगे बढ़ते हैं अच्छा अब ये एक क्वेश्चन और आपका है ये आपका ये भी रेशियो का एक और टाइप है ठीक है यहां से एक और टाइप है इसको देखिए ठीक इस क्वेश्चन को करिए एक बार सारे बच्चे इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करें तो करिए इस क्वेश्चन को सभी लोग 525 बिल्कुल सही आंसर है सबका मैथ्स कमजोर है उसके लिए क्या करें तो मैथ्स कमजोर है तो आप क्या करना चाहते हैं मैथ्स में एकदम स्ट्रांग बनना चाहते हैं ठीक है मैथ्स में एकदम स्ट्रांग बनना चाहते हैं सब चीज का उपाय है या फिर थोड़ा थोड़ा मैथ को सीखना चाहते हैं चलिए और किस लेवल का मैथ सीखना चाहते हैं ए का दो बट्टे तीन भाग ए का दो बट्टे तीन भाग ये किसके बराबर है ये बी के चार बट्टे पांच भाग के बराबर है ठीक ये बी के चार बट्टे पांच भाग के बराबर है ठीक तो इसको क्या करें कैसे करेंगे आपसे ए और बी का रेशियो पूछा है अच्छा एक चीज मैंने शुरू में बताया था रेशियो का मतलब फ्रैक्शन भी होता है रेशियो का मतलब फ्रैक्शन भी होता है कैसे करेंगे जैसे दो से काटे दो दुने का हो जाएगा चार ठीक अच्छा इस ए को यहीं रहने दीजिए इस बी को उठा के यहां पे नीचे ले आइए तो नीचे बी चलाएगा इसके बाद क्या हो जाएगा इस तीन को ऊपर ले जाइए तो तीन दुने का हो जाएगा और पांच नीचे रह जाएगा तो छे का पांच मैंने कहा था रेशियो का मतलब फ्रैक्शन भी होता है क्या होता है रेशियो का मतलब फ्रैक्शन भी होता है तो कहने का मतलब है आपसे ए पांच रेशियो का छे आप लोग आंसर दे रहे हैं ए रेशियो का बी आपसे पूछा गया है तो ए रेशियो का बी बराबर कितना हो जाएगा छे रेशियो का पांच ए बी छे, A छे पाँच ए की वैल्यू छे बी की वैल्यू पाँच ए रेशियो का बी पूछा गया है तो छ पाँच आंसर दीजिएगा गलती से पाँच छह आंसर मत दे दीजिएगा ठीक है इस ऑर्डर का भी ध्यान रखिएगा पहले क्या पूछा गया है उसी को पहले बताना है जो पहले पूछा गया है उसी को पहले बताना है ठीक है जो पहले पूछा गया है उसी को पहले बताना है अच्छा इस क्वेश्चन को करिए एक बार एक मिनट होल्ड कुछ और है स्पेस छोटा सा सवाल इस क्वेश्चन को करिए इस क्वेश्चन को भी मत करिए इसके पहले अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा अगर मैंने लिखा a बट्टे का तीन बराबर में b बट्टे का सात बराबर में c बट्टे का नौ और आपसे मैं पूछूं क्या कोई बच्चा मुझे a रेशियो b रेशियो c बता सकता है क्या एक बार इस क्वेश्चन को करिए तो अगर मैंने लिखा ए बट्टे का तीन बराबर बी रे का पांच बराबर सी बट्टे का नौ क्या कोई बच्चा मुझे कहां से कनेक्टेड है आपको एक क्वेश्चन अभी मैंने पीछे कराया है कौन सा क्वेश्चन था एक बार आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन पे नजर डालिएगा इस क्वेश्चन पे आप सभी लोग नजर डालिएगा इसमें कैसे लिखा हुआ था इसमें लिखा हुआ था फोर ए बराबर सिक्स बी बराबर फाइव सी आपने क्या किया एलसीएम लिया एक संख्या का जो एलसीएम आया उसको आपने नीचे लिख दिया उससे आपने डिवाइड किया तो आपके पास ये रिजल्ट आया क्या A बट्टे का पंद्रह B बट्टे का दस और C बट्टे का बारह आपसे पूछा गया ए रेशियो बी रेशियो सी बता दीजिए आपने कहा सर ये तो पंद्रह हो जाएगा कैसे बता दिया जैसे ए के साथ अगर कोई संख्या नहीं है बी के साथ भी कोई संख्या नहीं है सी के साथ भी कोई संख्या नहीं है तो ये नीचे लिखी गई संख्याएं हैं इनका रेशियो बन ठीक है अगर कोई संख्या नहीं है तो जो संख्या नीचे लिखी गई है वही इनका रेशियो बन जाएगी ठीक उसी प्रकार से ए के साथ कोई संख्या नहीं है बी के साथ कुछ नहीं है सी के साथ कुछ नहीं है तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा तीन रेशियो सात रेशियो नौ ठीक है रेशियो क्या हो जाएगा तीन सात नौ का रेशियो हो जाएगा ठीक बिल्कुल सही जिस बच्चे का तीन सात नौ आया है सबका आंसर एकदम सही है बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है ठीक है अब दीजिए इसका आंसर मुझे अब दे दीजिए इसका आंसर नौ सौ रुपए को तीन हिस्से में बांटना है आपके पास नौ सौ रुपए है इसको तीन हिस्से में बांटना है ए बी सी में बांटा जाए उनमें बंटवारा इस प्रकार हो कि ए की राशि का एक बट्टे दो यानी ए के पैसे का एक बट्टे दो बी के पैसे का एक बट्टे तीन और सी के पैसे का एक बट्टे चार ये आपस में बराबर हो जाने चाहिए ठीक है ये आपस में बराबर हो जाना चाहिए करिए तो इस क्वेश्चन को अब देखिए इसमें कहेंगे सर ये तो वही हो गया ए बट्टे का दो बराबर बी बट्टे का तीन बराबर सी बट्टे का सी बट्टे का चार बिल्कुल ये वही चीज बन गया है ए के साथ कोई संख्या नहीं है बी के साथ कुछ नहीं है सी के साथ कुछ नहीं है तो ए रेशियो बी रेशियो सी अगर आपसे कोई पूछे कुछ नहीं है तो दो तीन चार ठीक है कुछ नहीं है तो दो तीन चार हो जाएगा सही जवाब कुछ नहीं है तो दो तीन चार नौ सौ रुपये को बांट दीजिए तो आप कैसे बांटेंगे दो तीन पांच चार नौ यानी कि यह हो जाएगा नौ रेशियो नौ रेशियो बराबर हो जाएगा नौ सौ रुपया तो एक रेशियो बराबर हो जाएगा सौ रुपया दो रेशियो का मान दो रेशियो का मान 200, सौ तीन रेशियो का मान 300, सौ चार रेशियो का मान 400, ठीक है तो 200, 300, 400 ए बी सी का हिस्सा ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब 200, 300, 400, 300, 400, 200 जो बच्चा आंसर दे रहा है ना जिस ऑर्डर में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी ऑर्डर में आंसर देना है पहले ए पूछा गया है पहले ए बताइए बाद में बी है बाद में बी और उसके बाद अगर सी है तो उसके बाद सी को बताइए ठीक है ये नहीं कि पूछे कुछ और और दे दे आप कुछ और ठीक है इस क्वेश्चन को करिए अच्छा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा कोई बच्चा बता सकता है क्या क्वेश्चन में है x का तीन बट्टे चार ये रहा x का तीन बट्टे चार ये बराबर है y के चार बट्टे पांच और ये बराबर है z के दो बट्टे पांच के ठीक कहने का मतलब है इसको आप ऐसे थ्री का फोर बराबर में फोर का फाइव बराबर में टू जेड बट्टे का फाइव लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं आपसे एक्स वाई जेड का रेशियो पूछा गया है क्या कोई बच्चा मुझे इसका आंसर देगा XYZ का रेशियो क्या क्या हो जाएगा क्या कोई बच्चा मुझे आंसर देगा देखिए अभी के हिसाब से तो समय कम है अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी की बात करें एग्जाम की बात करें तो अभी के हिसाब से समय कम है क्योंकि ये मैं मान रहा हूं जब तक एग्जाम डेट नहीं आता है तब तक एग्जाम डेट आपका ग्यारह फरवरी है ठीक क्लास लंबी होगी घंटा प्लस होगी दस मिनट पंद्रह मिनट आगे जाएगी ही जाएगी किसी भी कीमत पे ठीक है क्योंकि चीजों को कवर कराना है पढ़ाना है बहुत ज्यादा मटेरियल को शॉर्ट नहीं कर सकते हैं ठीक है तो क्लास थोड़ी सी लंबी होगी ठीक बस नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होंगे जो बच्चे सिपाही बैच देखे होंगे उनको पता है कि एक ही पर चार चार पाँच पाँच क्वेश्चन हम लोग किए हैं ठीक है यहाँ पर एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन चल रहा है ठीक बाकी आपका कंप्लीट बैच अवेलेबल है सिपाही बैच का हर एक वीडियो आपके पास अवेलेबल है जिसको लग रहा है कि नहीं मुझे कंप्लीट पढ़ना है कंप्लीट आप सिपाही बैच से पढ़िए ठीक है वीडियोस अवेलेबल है वहां पर पढ़िए ठीक है अच्छा अब इस क्वेश्चन में क्या करना है आप कहेंगे सर आपने पीछे बताया था आपने पीछे बताया था कि अगर इसके साथ कोई संख्या नहीं है तब तो नीचे वाला संख्या ही आंसर हो जाएगा अगर कोई साथ में संख्या नहीं है तब तो नीचे वाला आंसर हो जाएगा लेकिन इसके साथ में संख्या दी गई है इसका क्या करें इसके दो ऑप्शन है करने के ठीक एक तो वही ऑप्शन है कि साथ में लिखी गई संख्या जैसे कि तीन जैसे कि चार जैसे कि दो जैसे तीन चार दो का एल्शियम ले लिया जाए तीन चार दो का एल्शियम हो जाएगा बारह और इस एल्शियम से सबको भाग दे दिया जाए सबसे पहला तरीका यह हो जाएगा एल्शियम ले लिया जाए और इस एल्सियम सब के नीचे भाग दे दिया जाए जैसे यहां पर बारह से गुड़ा कर दीजिए नीचे बारह से गुड़ा करिए और यहां पर भी बारह से गुड़ा कर दीजिए यह है बेसिक मेथड। क्या हो जाएगा? तीन चौके बारा, चार तिया का बारह और दो छके बारह ठीक अब इससे क्या हुआ देखिए ऊपर से संख्या हट गई नीचे क्या हो गया चार चौके सोलह बराबर, बराबर पांच तिया का पंद्रह बराबर पांच छके तीस ऊपर से आपकी संख्याएं हट गई अब नीचे 16, 15, 30 बच गया है तो बस ऊपर से संख्याएं हटानी है जैसे ही ऊपर से संख्या हटी ये नीचे का 16, 15, 30 ही आपका हो गया सही जवाब तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहां पर सही जवाब ये था बेसिक मेथड क्या था ये बेसिक मेथड था अच्छा कोई शॉर्टकट भी हो सकता है क्या इसका लगता है कोई शॉर्टकट हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा कैसे देखिए आप सिर्फ ऊपर की संख्याओं को लिख लीजिए आप सिर्फ ऊपर की संख्याओं को लिख लीजिए जितना पढ़ाया जाएगा आज के आज के रिवीजन कर लीजिएगा ठीक है हर एक चीज का रिवीजन करिएगा कितने तरह तरह के के क्वेश्चन थे कितने सॉल्यूशन हुए हैं कौन -कौन है? हर चीज को रिवाइज करिएगा ठीक है तब जाके चीजें आपकी तैयार होंगी इसका शॉर्ट तरीका मैं बताता हूं अगर आपसे मैं कहूं कि क्या कोई बच्चा मुझे एक्स रेशियो का वाई रेशियो का जेड बता सकता है क्या आप कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं कैसे बताएंगे अभी कुछ देर पहले मैंने आपको सिखाया अगर थ्री एक्स बराबर फोर वाई बराबर टू जेड दिया होता तो आप क्या करते आप क्या करते आप यहां पर चार गुड़े का दो कर लेते आठ हो जाता ठीक है वाई की वैल्यू निकालते तो तीन गुड़े का दो कर लेते हो जाता और जब जेड की वैल्यू निकाल रहे होते तो तीन गुड़े का चार कर लेते बारह हो जाता आप कहेंगे ठीक है इतना तो कर लेंगे लेकिन ये जो नीचे लिखा हुआ है इसका क्या करें तो जो नीचे लिखा हुआ है ना जैसे x के नीचे चार लिखा हुआ है तो बस यहां पर चार से गुड़ा कर दीजिए इस 4y के नीचे पांच लिखा हुआ है यहां पर पांच से गुणा करिए इस 2z के नीचे पांच लिखा हुआ है यहां पर पांच से गुणा कर लीजिए रेशियो क्या हो जाएगा 32 रेशियो का 30 रेशियो का 60 ठीक दो से काटेंगे 16 बार में दो से काटेंगे 15 बार में और दो से काटेंगे तो 60 है तो ये आपका 30 बार में कट जाएगा ठीक है 16 15 30 आपका सही जवाब है चलिए करिए इस क्वेश्चन को आ गया आवाज आपका इस क्वेश्चन को करिए इस क्वेश्चन को करिए तो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है बस लिखने का तरीका आपका यहां पर बदला गया है ठीक है करिए इस क्वेश्चन को चलिए इसको करिए तो यदि a का तीस परसेंट अब ये देखिए क्वेश्चन कैसे कह रहा है a का तीस परसेंट एक का तीस परसेंट किसके बराबर है बी का जीरो दशमलव दो पांच के बराबर है और ये किसके बराबर है ये सी का एक बट्टे पांच का बराबर है इसका क्या मतलब है इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा कुछ आइडिया है क्या आप लोगों के पास इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा आंसर दीजिए तो आंसर दीजिए इसका जल्दी से सारे बच्चे आंसर दीजिए बी सी दस बारह पंद्रह बी 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 आंसर आ रहा है क्यों चलिए, का 30%, 30 का मतलब तीस बट्टे का सौ बराबर है बी का जीरो दशमलव दो पांच पॉइंट को हटा दीजिए पॉइंट को हटा देंगे तो पॉइंट के बाद एक और दो अंक है यानी कि नीचे सौ आ जाएगा बराबर में सी का एक बट्टे का पांच हो जाएगा ठीक है ये क्या होगा जीरो से जीरो काटेंगे पच्चीस चौके सौ हो जाएगा फाइनली आपके पास क्या बचा यहां पर लिखता हूं फाइनली आपके पास बचा है थ्री ए अपॉन का टेन बराबर में बी अपॉन का फोर बराबर में सी बट्टे का पांच चलिए अब एबीसी का रेशियो कैसे निकाला जाएगा बताइए कौन सा मेथड बताएं आपको ठीक है कौन सा मेथड बताएं तो आपसे मैं कह रहा हूं आप ए निकाल लीजिए ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लीजिए कैसे नीचे वाले को इग्नोर कर दीजिए ऊपर ध्यान दीजिए ए को निकालेंगे ए को निकालेंगे एक को, को एक में गुड़ा करना पड़ेगा एक हो जाएगा बी को निकालेंगे तीन एक को गुड़ा करना पड़ेगा तीन हो जाएगा सी को निकालेंगे तो इसको छोड़िए एक तीन को गुड़ा करना पड़ेगा तीन हो जाएगा तो नीचे वाली संख्या का क्या करते हैं तो पहले ऊपर निकाल लेते हैं और फिर से नीचे वाली संख्याओं को इसमें गुड़ा कर देते हैं ठीक है या फिर एलसीएम से निकाल लीजिए दोनों मेथड है तो ये हो जाएगा दस रेशियो का बारह रेशियो का पंद्रह दस बारह पंद्रह बिल्कुल सही आंसर दे रहे थे ऑप्शन भी है सही जवाब दस बारह पंद्रह हो जाएगा आंसर शॉर्ट ट्रिक्स है बिल्कुल इजी इजी मेथड है दोनों मेथड इजी है एलसीएम निकालने आता है तो ये भी इजी है नहीं आता है तो वो भी इजी है ठीक है कर लेंगे सारे बच्चे अच्छा देखिए ये चीज अलग है ये जो लिखा हुआ है ना तीन ए बट्टे का दस बी बट्टे का चार सी बट्टे का पांच ये चीज अलग है और इसी में ये चीज अलग है ये दूसरा चीज है जैसे ये रेशियो जो लिखेगा ना ये लिखेगा ए रेशियो का बी रेशियो का सी और ये किसके बराबर है एक बट्टे दो रेशियो एक बट्टे तीन रेशियो एक बट्टे चार यहां पर रेशियो को फ्रैक्शन में लिखा गया है दोनों चीजें अलग हैं, तो ये क्या है इसको सीखेंगे कल की क्लास में इसको सीखेंगे कल की क्लास में आज की क्लास यहीं तक रहेगी आप सभी बच्चे इस क्लास को लाइक कर दीजिए नए बच्चे क्या करिए जो भी नए बच्चे हैं जिनको भी तैयारी करना है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए मेकर के ऐप को डाउनलोड करिए आपके कमेंट बॉक्स में ही ऊपर एस एस सी मेकर लिंक दिया हुआ है ठीक है वहां से आप सारे बच्चे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ऐप को डाउनलोड करिए यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं तो सिपाही बैच के क्रैश कोर्स से जुड़िए इसके साथ सिपाही बैच की क्लासेस आपको फ्री मिलेंगी तो अगर किसी को लगता है कि सर मैं चाह रहा ना एकदम बेसिक से करूं ठीक है एकदम बेसिक से करूं तो आप एकदम बेसिक से करिए हाँ यूपी पुलिस का फीस चार सौ रुपया है लेकिन बैच आपको केवल ढाई सौ में प्रोवाइड करा रहे हैं इससे पहले भी आपको बैच केवल तीन सौ में ही प्रोवाइड कराया गया है तो जितने का आप फॉर्म भरेंगे उससे सस्ता में आप तैयारी कर लेंगे ठीक है तैयारी करने का चांस फीस कम है लेकिन फॉर्म भरने का फीस ज्यादा है ठीक तो बस यही है आपके एसएससी मेकर की खासियत जितना सस्ता हो सके उतना सस्ता आपको प्रोवाइड कराया जाए और जितना बेस्ट कंटेंट हो सके उतना बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाए कोई भी एग्जाम हो सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस रेलवे जीडी कांस्टेबल कोई भी एग्जाम हो ठीक है क्रैश कोर्स के एसएससी जीडी में बेड़ा पार हो जाएगा क्या एसएससी जीडी की तैयारी आपने की है मुकेश सिंह महर आप तो एसएससी जीडी वाले बच्चे हैं क्योंकि आप तो ऐप में भी दिखते हैं क्यों महर जी, आप तो ऐप में भी रहते हैं के क्लास में में फौजी बैच ठीक है चलिए तो सारे बच्चे अच्छा ध्यान रखिएगा ये ऑफर आपका एक एक रखिएगा पूरा पूरा तो आप इस चीज का ठीक कंप्लीट बैच है लाइव क्लासेस चलेंगी रिकॉर्डेड इसमें फ्री रहेगा और इसके साथ बाकी अजय सर की क्लास है सारे ये बच्चे ये ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ठीक है ऐप नहीं खुल रहा है किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है आप सभी लोग एस में करके कस्टमर केयर को कॉल करिए चलिए तो मिलते हैं अब आपसे फिर से कल की क्लास में इसी समय तो इसका दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे एक चीज का ध्यान रखिएगा दूसरा पार्ट पढ़ने से पहले पहला पार्ट सबका रिवाइज होना चाहिए हर एक चीजें आपको आनी चाहिए ठीक है हर एक चीज आपको आना चाहिए डेली फ्री में पढ़ाइए क्लास छोड़ने का मन नहीं करता क्लास छोड़ के तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा ठीक चलिए मिलते हैं अगली क्लास में कल फिर से तब तक सभी बच्चों को नमस्कार जय हिंद लाइक कर दीजिएगा क्लास को और कमेंट बॉक्स में जरूर सारे बच्चे लिखिएगा आपको ये क्लास कैसा लगा ठीक है किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो कुछ इम्प्रूव करना हो उसके बारे में भी सभी लोग बताइएगा ठीक है